हेलो फ्रेंड्स, आज हम बना रहे हैं रेस्टोरेंट स्टाइल फ्रेंकी। उसके लिए हमें चाहिए है ये एक कप मैदा और ये आधा कप से भी कम आटा है। ये आटा ऑप्शन है, आप बनाना चाहें तो खाली मैदे की बना लें, और हमें कुछ बाजार जैसे चाहिए तो फिर हमें खाली मैदे से बनानी होगी। लेकिन इसमें हम थोड़ा सा आटा भी डाल रहे हैं। ये डाल दिया हमने आटा, ये सॉरी मैदा, और ये छोटे कप का है और ये आधा कप है, इसको भी मिला दिया। अब इसमें हल्का सा नमक डालेंगे, बहुत ही हल्का सा नमक डालना है। मैं इतना सा डाल रही हूँ क्योंकि अंदर जो फीलिंग होगी उसमें भी नमक होगा। नमक अपनी स्वाद अनुसार डालिएगा। अब इसका हम आटा लगाते हैं और इसको नरम नरम गूंथना है। पहले मिला लीजिए ठीक से, क्योंकि फ्रेंकी वो तीन चीजों से बनती है। एक ये मैदा की जो रोटी बनती है उससे, और एक अचार होता है और इसके अंदर की फीलिंग होती है। तो चलिए हम ये इसको गूंथ लेते हैं, नरम सा गूंथ लेते हैं। इसमें कोई मोयन नहीं पड़ेगा, यदि मोयन पड़ेगा तो इसमें ये खस्ता हो जाएगी। और कभी भी इसमें घी नहीं डालना, घी या ऑयल नहीं डालना चाहिए। उसके जब आटा गूंथ जाए तब उसके बाद ही घी लगाना चाहिए। खस्ता और नरम में यही अंतर है कि हम पहले घी डालेंगे तो ये खस्ता हो जाएगी और बाद में जब ऑयल लगाएंगे तो नरम हो जाएगी। इसका देखिए ये डो इसको कितना नरम नरम गुथा है, ये देखिए। अब हम इसमें ऊपर से घी लगाएंगे। ऊपर से ही घी लगाना चाहिए, कभी भी मोयन डाल के घी नहीं लगाना चाहिए, तो इसे नरम रोटी बनेगी। हमें नरम ही चाहिए, ना कि खस्ता चाहिए। जो पहले घी डाल देते हैं उसे खस्ता बन जाती है। चलिए मेरा ये डो लग गया है, इसको अब हम ढक कर रख देते हैं। अब इसको हम एक पॉलीथीन के अंदर रख देते हैं। चलिए हम अब इसका अचार बनाते हैं। फ्रेंड्स, अब हमें इसका अचार बनाना, अचार क्या ये फ्रेंकी के लिए बहुत जरूरी है। इसके बिना फ्रेंकी बिल्कुल नहीं, इसी से फ्रेंकी का स्वाद आता है। ये है व्हाइट विनेगर, 3 चम्मच करीब व्हाइट विनेगर ले लीजिए। ये हो गया व्हाइट विनेगर। अब हम इसमें 203 ये हरी मिर्च काट के डालेंगे इसमें। ये मैंने हरी मिर्च छोटी छोटी महीन महीन काट लीजिए, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। इसके बिना तो फ्रेंकी बिल्कुल बेकार हो जाएगी, ये डालना बहुत जरूरी है। हेलो फ्रेंड्स, देखिए इसमें मैंने 3 मिर्ची काट दी है। ये देखिए 3 मिर्ची कट गई है, 3 से 4 अपना जैसा स्पाइसी खाते हो उसे डाल दीजिए। अब इसमें थोड़ा सा नमक डाल देते हैं, इसको आधे घंटे के लिए उठाकर एक किनारे रख देते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैंने ये पैन चढ़ा दिया है और इसकी फिलिंग बनाने के लिए, तो अब इसमें हमें 3 चम्मच ऑयल डालना है। ऑयल डाल दिया 3 चम्मच हमने। मेरा जीरा घी पक गया, इसमें हम थोड़ा सा जीरा डाल देते हैं। अब हम ये थोड़ी सी हरी कटी मिर्ची या कटी हुई डाल दीजिए। अभी थोड़ा सा अदरक डालना है, इसको जरा सा ऐसे भून लीजिए, मिर्च अपने स्वाद का ही पीएगा। हमें स्वाद के अनुसार मिर्च डालिएगा, आपको मीठा खाना है तो ज्यादा मिर्च डाल दीजिएगा। 1 चम्मच करीब मैंने अदरक डाली है, मिर्च तो मैंने 1 ही डाला है। अब इसको ज्यादा जलाना नहीं, बस कच्चापन ही दूर करना। आप चाहें तो लहसुन भी डाल सकते हैं, मैं लहसुन नहीं डाल रही हूँ। और ये मैंने
करीब 7 से 8 आलू हैं जो जिनको उबाला है, उबाल कर छील लिया है और ठंडा करके अब इसमें मैश करके डालते जाते हैं। ये मैश करके हम डाल रहे हैं आलू। हमको 6-7 फ्रेंकी बनानी है इसलिए मैंने इतने आलू लिए हैं। मीडियम साइज के आलू हैं इसलिए 8 से 9 करीब हैं आलू इसमें। ये आलू पड़ गया। अब इसमें 1 चम्मच धनिया पाउडर, थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा गरम मसाला 1/2 टीस्पून, लाल मिर्च अपने स्वाद अनुसार क्योंकि हरी मिर्च भी पड़ी है, मेरा जो अचार बनाया है विनेगर का उसमें भी मिर्च है, जैसा तीखा खाएं वैसा डालें। और ये नमक स्वाद अनुसार नमक डालें। और मेन चीज है इसमें चाट मसाला, करीब 2 चम्मच चाट मसाला डाल दीजिए जिससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। यदि आपके पास फ्रेंकी मसाला हो तो फ्रेंकी मसाला भी डाल लीजिए। मेरे पास फ्रेंकी मसाला है, मैं 1 चम्मच फ्रेंकी मसाला डाल रही हूँ। हेलो फ्रेंड्स, देखिए मेरा ये पूरा अच्छा सा कलर गया है और अब इसमें हम धनिया की पत्ती डाल देते हैं। ये देखिए धनिया की पत्ती पड़ गई। अब इसको हम एक बर्तन पर निकाल लेते हैं, ठंडा होने देते हैं और जब तक हम इसकी फ्रेंकी की रोटी बेलते हैं। हेलो फ्रेंड्स, देखिए मैंने ये आटा निकाल लिया, देखिए कितना स्मूथ सा है। अब इसको इस तरीके से करके छोटी छोटी इसकी लोइयां निकाल लीजिए रोटी के जैसे, और इसको ऐसे ऐसे गोल 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 घुमाकर अच्छी सी स्मूथ सी लोई बना लीजिए। ये देखिए ऐसे स्मूथ से लोई बना लीजिए। अब हम इसको आपको बेल कर दिखाते हैं। पहले इसमें थोड़ा सा चकले में आटा डालिए। अब इसको अच्छे से बेल लीजिए। ऐसे पतला पतला बेल लीजिए। आपसे गोल नहीं बनती तो कोई बात नहीं, क्योंकि इसको हमको फोल्ड करना है, रोल बनाना है इसका। ये देखिए ये बिल गया है। इसी तरीके का एक और बेल लेते हैं। ज्यादा मोटा नहीं बेलना, ना ज्यादा बहुत महीन बेलना है, थोड़ा सा और बढ़ा दें इसको। ये देखिए इसको एक प्लेट पर रख लेते हैं। हेलो फ्रेंड, देखिए मेरा तवा गर्म हो गया। इसमें हम थोड़ा सा बटर डालते हैं, जैसे कि हमको रोटी बनाने पहले तवे को चिकना कर लेते हैं। ये इसमें बटर डालिए या ऑयल डालिए, क्योंकि बटर से फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, इसलिए मैंने बटर डाला। अब मैं ये गरम तवा है, इसमें से रोटी डाल देते हैं। रोटी को ज्यादा सेकना नहीं, बस हल्की सी चित्ती पड़े बस उसको निकाल लेना, ऐसे ही सारी रोटियां सेक कर रख लेनी है। हेलो फ्रेंड, देखिए मेरी रोटी ऐसे ये सिक गई, देखिए बबल जैसे उठ गए और ये थोड़ी थोड़ी चित्ती बढ़ गई। बस हमको ऐसे ही रोटी आगे पीछे सेक कर रख लेनी है। फ्रेंड्स, देखिए मेरी ये सारी रोटियां सिक गई, ये देखिए सारी रोटियां सिक गई। बस हमको ऐसे ही चित्ती वाली रोटियां
सेकनी है। अब इसको हम ढक के रख देते हैं। अब हम जो मैंने ये मटेरियल बनाया था, तो अब इसका हम कबाब जैसे बना लेते हैं। कबाब कहें आप कुछ भी कहें इसको, बस इसको लंबा लंबा ऐसे, जैसे ये लंबा लंबा है, हमें रोल के बराबर ही थोड़ा सा लंबा करके इसके प्लेट में बना बना के रखते हैं। ऐसे लंबे लंबे हाथ लगा लगा के ऐसे ऐसे लंबे लंबे, देखिए ऐसे ये लंबे लंबे ऐसे। अब सेक ले, अब इनको हम सेक लेते हैं। अब ये इनको सेक लेते हैं, ऐसे लंबे लंबे दबा दीजिए थोड़े से, ऐसे लंबे लंबे इनको सेक लेते हैं। थोड़ा सा इसमें बटर डाल दीजिए, अच्छे से गुलाबी गुलाबी सीख जाए। ये फ्रेंड्स ये बटर डाल दिया है, और बटर डालें आप या ऑयल डालें, बटर ये ऑप्शन है आप, या तो घी या तेल जो भी आप खाते हैं वो डाल दीजिए। बटर तो मैं इसलिए डालेंगी, इससे स्वाद बहुत अच्छा आता है। ये सीख रहे हैं बहुत अच्छे से। यदि आपको फ्रेंकी मसाला सीखना हो तो आप कमेंट में जरूर लिख दीजिएगा, तो मैं फ्रेंकी मसाला की वीडियो बनाऊंगी। ये देखिए कितना गुलाबी गुलाबी जैसा बन गया है। ये देखिए सब गुलाबी ऐसे ही गुलाबी गुलाबी सारे भून लेने हैं। हेलो फ्रेंड्स, देखिए मेरे बिल्कुल पक गए हैं, ऐसे ही लाल लाल सारे भूने। अब हम इनको निकाल लेते हैं। हेलो फ्रेंड, देखिए मैंने फ्रेंकी के लिए हरी चटनी और टोमेटो केचप, प्याज कटा हुआ थोड़ा सा बंधा, और हरी धनिया, और ये जो हमने अचार बनाया था सिरके के साथ व्हाइट विनेगर के साथ, ये वो है, और ये है हमारा फ्रेंकी मसाला, ये चाट मसाला। आपको फ्रेंकी मसाला यदि बनाना चाहते हैं तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिखिए, तो मैं जरूर उसकी वीडियो डालूंगी। चलिए अब हम फ्रेंकी को रोल करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, देखिए मैंने ये पिज्जा रोटी रख दी है। अब इसमें सबसे पहले हमें हरी चटनी लगानी है। चटनी थोड़ी गाढ़ी गाढ़ी बनाइएगा, मैंने हरी चटनी पहले भी वीडियो बना चुके हैं, आप उस लिंक में जाइए सर्च करके देख लीजिएगा। अब ये मैंने टमाटो केचप लगा दिया, ये इस तरीके से टमाटो केचप लगा दिया। ये मैंने ये कटलेट या कबाब कुछ भी कहिए आलू का वो लगा दिया। अब इसमें जरा सी जो मैंने ये हरी मिर्च का ये बनाया था ना, ये जरूर डालिएगा, इसे ही मेन स्वाद आएगा। ये बनाना बहुत जरूरी है, इस तरीके से डाल दीजिए। अब इसमें हमको डालना है थोड़ा सा ये बंधा है, ये प्याज है, ये प्याज आप लंबा काटे, चौकोर काटे या गोल काटे, कैसा भी काट सकते हैं। अब ये हरी धनिया डालें, ये अब ये मैं थोड़ा सा इसमें फ्रेंकी जो मसाला है वो डाल रही हूँ। और फ्रेंकी मसाला आपको नहीं आता बनाना तो आप बताइएगा, तो मैं वीडियो जरूर बनाऊंगी। अब ये थोड़ा सा चाट मसाला डाल देते हैं, ये देखिए, और अब इसको हम रोल करते हैं। ये देखिए इस तरीके से फोल्ड कर लेते हैं, ये इस तरीके से, या तो आप इसमें टूथपिक लगा लीजिए या तो नैपकिन से इस तरीके से फोल्ड करिए। नैपकिन को जरा सा ऐसे मोड़ लीजिए, ऐसे करिए, ऐसे करिए, ये ऐसे करिए, ऐसे करिए, ये ऐसे करिए। अब इसको एक प्लेट में रख देती हूँ। इसी तरीके से दूसरी भी आप फोल्ड कर लीजिए। आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी जरूर सर्च करके बताइएगा और कमेंट करके बताइएगा,
और आगे कौन सी वीडियो बनानी है ये भी कमेंट करके बताइए। और ये देखिए बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में खट्टी मीठी चटनी रखकर सर्व करिए। देखिए मैंने एक और रोल कर दिया है इसको इस तरीके से, आप सर्व करिए। कोई कह नहीं सकता है कि ये रेस्टोरेंट स्टाइल में नहीं है, बहुत अच्छी फ्रेंकी बनेगी। आप एक बार ट्राई करिए और पूरी वीडियो देखिएगा, कुछ मिस ना हो। चलिए अब हम अगली वीडियो में मिलते हैं। राधे राधे।